हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में इस कड़ाके की सर्दी से सुरक्षित गार्डनिंग का मजा ले रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे। तो मैंने कुछ शॉपिंग करी है गार्डन के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कुछ तो ये पॉट्स हैं, प्लास्टिक पॉट्स, जो मैंने एक डजन मंगाए हैं 265 के। और ये अच्छा साइज है इनका, काफी अच्छी इसमें स्पेस है। और ये होल करने के लिए इन्होंने चार, देखा पा रही हूँ मैं तो आपको, ये इन्होंने स्पेस मार्क किए हुए हैं, तो ये बस गरम करके होल कर लेंगे। और अच्छे पेरिनियल प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, उनके लिए ये साइज अच्छा है। तो ये मैंने एक डजन लिए, एक डजन का ही सेट था ये। और क्योंकि कुछ सीजनल और कुछ पेरिनियल बहुत सारे प्लांट्स हो गए थे और मेरे पास पॉट्स कम पड़ रहे थे, तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाए। और 10 इंच के पॉट हैं ये, जैसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और ठीक हैं ये, अच्छा स्पेस है। प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो बहुत ख़राब भी नहीं है, मीडियम क्वालिटी है और मेरे को तो ठीक लगे ये। तो एक तो ये आइटम आपको दिख ही रहा है क्लियर कट कि ये मंगाया है। और ये जो बॉक्स है, ये मैं अभी आपके साथ अनपैक करके शेयर करती हूँ कि इसमें मैंने क्या मंगाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जरा इसका अनरैप कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है और देखिए पैकिंग तो काफी अच्छी है, काफी अच्छे से पैक करके उन्होंने ये भेजा हुआ है। बबल रैप भी पड़ा हुआ है, काफी सारे पेपर्स पड़े हुए हैं इसमें। और जाने क्या क्या बॉक्सेस वगैरह के साथ उन्होंने ये भेजा है। तो ये देखिए, ये फ्रेंड निकल आया और ये भी पूरा बबल रैप में कवर्ड है। और इसको मैं पहले खोलूं तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूं इसको। ये देखिए, तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने अनरैप कर दिया और ये अब आपको दिख रहा है। ये है एक फ्लेमिंगो बर्ड, जो मैंने अपने ये फ्रंट गार्डन कह लीजिए, या ये जहाँ पे मैंने अपना बैठने का एक स्पेस बनाया हुआ है, वहां के लिए मंगाया था। और अच्छा तो बहुत है, सब कुछ अच्छा है, इसका कलर वगैरह सब बहुत अच्छा है, लेकिन ये साइज जितना मैंने सोचा था उससे काफी छोटा है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ये, क्योंकि बहुत कम इसकी हाइट है, तो ये प्लांट्स के साथ तो रखा हुआ दिखाई भी नहीं देगा। तो अब मैंने ये ले तो लिया, लेकिन अब मैं अगर अभी मैं रख के देखती हूँ, अगर ये सबके साथ अच्छा लगता है तो मैं इसे रखूँगी, नहीं तो मैं फिर इसको रिटर्न करूँगी। और देखिए, जैसे कि मेरे ये डक प्लांटर्स हैं, ये उनकी हाइट से भी कम आ रहा है। मैं आपको उनके साथ रख के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितनी इसकी कम हाइट है। तो ये मेरे को तो थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, इससे तो ऊंचे मेरे डक प्लांटर्स हैं। अब या तो मैं इसको नीचे से किसी चीज पे हाइट दे के रखूं, तो फिर इनके गिरने का डर, और अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो फिर ये तो दिखेंगे ही नहीं। तो ये जो मैंने अपनी टायर वाली टेबल बनाई हुई है, ये बस समझ लीजिए उसकी हाइट के हैं। और समझ में नहीं आ रहा, चलिए मैं अभी थोड़ा सोचने के बाद फिर डिसाइड करूंगी कि ये मैं रखूंगी कि नहीं रखूंगी। और ये मेरे को मेरे ख्याल से 550 की रेंज में, 554 ऐसे समथिंग पड़ा है। तो अच्छा बहुत है, देखने में बहुत अच्छा है, स्टडी है, मजबूत है, लेकिन ये काफ़ी हाइट कम होने की वजह से मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सोच के डिसीजन लूंगी कोई। और ये देखिए, मियू आ गए, अंदर सो रहे थे और ये अब निकल के आ गए। इनकी वजह से कुछ वीडियोस नहीं बन पाती हैं, ये आके अपनी खुराफात शुरू कर देते हैं तुरंत।
तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ ये पॉट भी 2 dozen करीब मंगाए थे, और ये जो है मैंने आई थिंक फ्लिपकार्ट से ही मंगाए थे, और ये जैसे मैंने सोचे थे उनसे थोड़े छोटे साइज के हैं। ये 8 inch से भी मुझे कम लगे, ये 8 inch के ही हैं इनफैक्ट। तो ये मैंने 2 dozen मंगाए थे और मैं इन्हें वापस करने वाली थी, लेकिन फिर मेरी नेबर बोली कि अब आ गए हैं तो क्यों वापस करना, एक दर्जन मैं ले लेती हूँ और एक दर्जन आप ले लेना। तो ऐसे करके फिर ये मैंने रख लिए, और इनमें कुछ में होल करके मैंने अलग रख दिए हैं, कुछ में प्लांट लगा भी दिए हैं। और ये मेरे को 650 के 2 dozen प्लांटर ये पड़े थे। तो ये भी कोई बहुत बुरी डील नहीं थी, अच्छी डील थी, प्लास्टिक अच्छी है। बट जो मैं एकदम वाइट चाह रही थी, एकदम वाइट नहीं है ये, थोड़े ऑफ वाइट से हैं, और प्लस थोड़ा सा साइज मुझे लगा कि छोटा है, बट लेकिन सीजनल के लिए तो ये ठीक ही है। और जब सीजनल प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं तो आप इनको उठा के रख देंगे तो ये काफ़ी समय तक ही आपके चलेंगे भी। तो ये लिए थे मैंने 650 के 2 dozen, जिनमें से अभी एक ही दर्जन मेरे पास हैं, और फिर एक दर्जन जब ये रह गए तो फिर मैंने ये वाले लिए। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ मैक्रमे के पॉट होल्डर्स मंगाए थे। तो ये सेट ऑफ 3 था 250 का, और ये देखिए हमारे म्याऊ को कुछ भी लटकती हुई चीज़ जो है, म्याऊ को इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो देखिए ये है, ये मेरे को अच्छा लगा, और ये 3 color में है, एक ये येलो, एक ये काम कर लेने दो शैतान सिंह, ये देखिए अब ये ना कुछ नहीं करने देंगे, आ गए ये, एक ही ऑरेंज, और एक ये वाइट जो मैंने अभी अनपैक नहीं किया, ये देखिए लेके भागे यहां से, खराब कर दोगे, बहुत ज्यादा शैतान। तो ये मेरे को 250 का पैक ऑफ 3 पड़ा था, और ये मेरे को अच्छा लगा, और ये मैं रखने वाली हूँ, और ये पॉट भी रखने वाली हूँ, और ये पॉट होल्डर, और ये जो फ्लेमिंगो बर्ड थी ये मैंने मीशो से मंगाए थे, और ये जो प्लांटर्स हैं ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे। तो ऐसे करके ये मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी थी, छोटी सी, कैसी थी है बताइएगा। बस ये थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ फ्लेमिंगो बर्ड को लेके, अदरवाइज वैसे ये बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, अभी से भी फाड़ दो, ये वापस जानी है। और लेकिन ये बस इसकी हाइट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है, मैं देखती हूँ और अभी सोच के। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।